हाथों में चिमटा, रवायती लिबास और खूबसूरत अंदाज़, मारूफ लोक गुलूकार आरिफ लोहार अपने वालिद आलम लोहार के अक्स हैं। चिमटा और जुगनी दुनिया भर में आरिफ लोहार की पहचान है। वो आज भी अपनी पुरानी सकाफत को भूले नहीं। पाकिस्तान हो या बैरून मुल्क, स्टेज पर हमेशा अपने रवायती लिबास में ही नजर आते हैं। उन्नीस सौ छियासठ में लाला मूसा में आंख खोली आरिफ लोहार के वालिद आलम लोहार पंजाबी लोक मौसीकी का एक बड़ा नाम है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आरिफ लोहार ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा, मगर उन्होंने कभी अपने वालिद से गुलूकारी की तरबियत नहीं ली। कोई भी लम्हा हो, वो हमेशा अपने वालिद को याद करते हैं। आलम लोहार 1979 में शाम की भटियाँ के करीब ट्रैफिक हादसे में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आरिफ लोहार की उम्र इस वक्त सिर्फ 8 बरस थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें, आरिफ लोहार की अहलिया के इंतकाल को अभी सिर्फ 3 बरस ही हुए हैं और उनके तीनों बेटे भी कम उम्र हैं। आरिफ लोहार हमेशा लाइव परफॉर्मेंस में परफॉर्म करके खुशी महसूस करते हैं। बैन अल-अक़वामी शोहरत और अपनी मसरूफियात के बावजूद उन्हें जब भी मौका मिलता है अपनी पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा करते हैं। उन्होंने तकरीबन 17 साल मुख्तलिफ इलाकों में अपने चाहने वालों के सामने परफॉर्म किया। आरिफ लोहार ने 3,000 गीत गाए, उनके 150 एल्बम रिलीज़ हुए। आरिफ लोहार ने 45 फिल्मों में बतौर हीरो अदाकारी के जौहर भी दिखाए। उन्होंने फिल्म जिंदगी से फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उनकी ज़्यादा फिल्में मरहूम सुल्तान राई के साथ थी। उन्होंने फिल्मों में सुल्तान राई के बेटे का किरदार भी अदा किया। खुशबू के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। सुल्तान राई की अचानक वफात के बाद उन्होंने भी फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। आरिफ लोहार ने तकरीबन 10 साल बाद 2011 में सैयद नूर की फिल्म जुगनी में फिल्मों में बतौर अदाकार दोबारा एंट्री दी। उन्होंने बॉलीवुड मूवीज़ में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। कॉकटेल में जुगनी गई, भाग मलका भाग का भी गीत गाया, साई बीवी और गैंगस्टर सीरीज में भी अपनी खूबसूरत आवाज़ से रंग भरे। आरिफ लोहार ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया। अमेरिका और बरतानिया समेत 50 से ज्यादा ममालिक का दौरा किया। उन्होंने 2004 में चीन में एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान अपने फ़न का मुजाहरा किया और 10 लाख अफराद के सामने परफॉर्म करके खूब दाद वसूल की। आरिफ लोहार ने शुमाली कोरिया के रहनुमा कम जोंग टू के सामने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। उनके बेटे भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर अपने आबाओ अजदाद के फ़न को आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं। आरिफ लोहार को उनकी फ़नी खिदमात के अतराफ़ में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले लोक फनकार आरिफ लोहार का फ़नी सफ़र जारी है।